Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You people are watching Good Life and Academia. Today I will discuss pairing scheme 2021, which is according to the smart syllabus for the 10th class chemistry subject. Chemistry ke paper pattern mein kya kya shamil hoga, kitne short questions, kitne long questions, kitne MCQs, wo sab is video mein hum discuss karenge. Aage chalne se pehle aap is channel ko subscribe zarur kar lein aur is video ko like zarur karein aur isko agar aap useful paye to isko apne friends ke sath zarur share karein. To aage badhte hain ki chemistry ki jo 10th class ki pairing scheme hai wo kuch is tarah se hogi. कि जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से दो एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 10 और 11 में से एक-एक एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 12 में से भी दो एमसीक्यूज, 13 में से एक एमसीक्यू, 14 में से दो एमसीक्यूज, चैप्टर 15 में से एक एमसीक्यू और चैप्टर 16 में से भी दो एमसीक्यूज. उसके बाद आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चंस का 10th क्लास के बच्चों को तो बखूबी आइडिया होगा क्योंकि हमने 9th की भी प्रिपरेशन की है कि तीन क्वेश्चंस आते हैं, तीन बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आगे फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं. हर क्वेश्चन के फर्दर 8 पार्ट्स होते हैं और उनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि हर पोर्शन में से आपको तीन तीन क्वेश्चंस की चॉइस मिलती है जिनको आप स्किप कर सकते हैं. तो अब वो टोटल 8 जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस चैप्टर में से कितने आने हैं वो हम अब क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं. कि जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से तीन क्वेश्चन, चैप्टर 10 में से तीन क्वेश्चन और चैप्टर 11 में से दो क्वेश्चन, ये सब 8 क्वेश्चंस में ला के एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा जिनमें से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. फिर अगर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्टली क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा होता है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला वाला पोर्शन और फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा वाला पोर्शन. तो जो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है इसमें 12 चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस होंगे, 13 चैप्टर में से 2 और 14 चैप्टर में से 3, इनमें से भी आपको तीन की ऑप्शन मिलेगी और आपने इनमें से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. उसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का जो लास्ट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा, जिसकी वो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें फर्दर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उन 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं. उनमें चार चार सवाल होंगे, चार चैप्टर नंबर 15 से और चार चैप्टर नंबर 16 से. तो अब आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है. मीनवाइल अब आपने फिर ये भी देख लेना है कि लॉन्ग क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन से किस तरह मैच करें, कि आप कौन सा चैप्टर अगर स्किप करें तो आपका पेपर में लॉस नहीं होगा, कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे. आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी ऐसी तैयारी हो कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट जरूर कर सके. अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें जो पहला सेक्शन जो मतलब पहला हाँ जो नेक्स्ट सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चंस का उनमें जो पहला क्वेश्चन है वो किस तरह से होगा. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने जो ए और बी लिखा हुआ है उन्होंने ये कहा है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन के दो पार्ट्स होंगे, ए पार्ट के 5 मार्क्स, बी पार्ट के 4 मार्क्स. पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5 उसमें का ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 से होगा. इसका क्या मतलब है कि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप 10 और 12 चैप्टर लाजमी करें. आप ये नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 10 कर लिया है और 12 नहीं किया. तो अगर 12 नहीं किया तो आपका बी पार्ट मिस हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 5 इनकम्प्लीट रह जाएगा. ऐसा किसी भी जरूरत पॉसिबल नहीं होता कि आप ए पार्ट किसी क्वेश्चन का कर लें, बी किसी का. जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करें उसका ए और बी दोनों साथ करने जरूरी होते हैं. नेक्स्ट अगर इसी तरह से हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 11 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 13 में से. अब यहाँ पे दोबारा वही बात कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 दोनों ही अच्छे से आते हो. उसके बाद आ जाते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बी दो पार्ट्स होंगे, ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 14 में से और जो बी पार्ट है वो होगा चैप्टर नंबर 15 में से. अब अगर आप यहाँ देखें तो आप देखें कि चैप्टर नंबर 16 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप उसको फिर भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसमें से चार शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आपको तो चार शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी पोर्शन में से छोड़ने की किसी सूरत यहाँ पे कोई ऑप्शन बनती ही नहीं है. तो लिहाजा चैप्टर नंबर 16 भी ऐसा है जो कि नहीं छोड़ा जा सकता. इसी तरह अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में से भी कोई ऐसा हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं बन रहा. और अगर एमसीक्यूज देखें तो 3 बन रहे हैं.
एमसीक्यूज दो बन रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस तीन बन रहे हैं। अब इस चैप्टर को छोड़ने का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन उस केस में आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पोर्शन है उसमें से तीनों क्वेश्चंस आपके फिर नाइन चैप्टर से नहीं होंगे, लॉन्ग तो इसमें से आना नहीं है, लेकिन आप दो एमसीक्यूज अपने सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये भी ऑप्शन एक बहुत अच्छी ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ एंड में तैयारी करते हैं सिर्फ पास होने के लिए, वो इस ऑप्शन को फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखना है कि स्पेलिंग स्कीम के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, कौन से क्वेश्चंस को आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, और किस तरह से आपने अपना पेपर मैनेज करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप स्किप करने के बारे में सोच सकते हैं। इस पेयरिंग स्कीम को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से बच्चों की ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती, और अगर वो इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें तो मे बी उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। आप इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर रहें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स होती हैं वो यहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं। कभी कभी थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। आपको इन टाइम जो भी एजुकेशनल अपडेट्स होंगी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पेइंग स्कीम्स, डेट शीट भी आ गई है 9th और 10th की, वो सब आपको यहाँ पे अपडेट करती रही जाएंगी। थैंक यू यू ऑल, गुड लक यू ऑल।